नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि पीछे तीन वीडियो से दशाफल अध्याय आपको पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की दशा कैसी जाएगी उसी में मैं आपको बता रहा हूं। तो आज भी हम लोग आगे चलेंगे और दशा पढ़ेंगे राहु की और गुरु की। चंद्रमंगल की हम लोग देख चुके हैं, सूर्य चंद्र की भी देख सूर्य की दशा भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज राहु और गुरु इन दोनों की दशाफल देखेंगे कि कैसे दशाफल रहते हैं, या जब भी राहु और गुरु का दशाफल हमें करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। तो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे, ताकि वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टली आपको दिखा देता हूं। तो राहु के दशाफल के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बृहत पाराशरवरा शास्त्र में किया गया है। हालांकि राहु की उच्च नीच राशि या केतु की उच्च नीच राशि का वर्णन पूरी शास्त्रों में बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी दशा की बात आती है तब बृहत पाराशरवरा शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि दशाओं में ये नीच उच्च नीच राशि का एक बार ध्यान कर लेना चाहिए, जिसमें दशा हम लोग चेक करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि राहुश केतुश कथयामि ग्रह दिगामी तयोर दशा फल ज्ञाते तव ग्रहे दिजनंदन है। मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि हे द्विज, मैत्रेय को बोलते हैं कि हे द्विज, मैं आपको राहु केतु की राशि आदि के बारे में बताता हूँ, जिससे इनकी दशाओं का समुचित ज्ञान आपको हो पाए। तो राहु की उच्च राशि के बारे में उन्होंने कहा है कि वृष राशि जो है वो राहु की उच्च राशि होती है और केतु की उच्च राशि वृश्चिक होती है, यानी राहु की नीच राशि वृश्चिक हो गई। फिर ये ध्यान रखिए, क्योंकि सातवीं राशि जो है वृश्चिक नीच राशि हो जाएगी। राहु की मूल त्रिकोण राशि मिथुन बन जाती है, ये उन्होंने बताया है इसके अंदर। राहु की स्वयं राशि कुंभ राशि होती है और केतु की स्वयं राशि को वृश्चिक राशि ही माना जाता है। तो ये राशि ही हमें लेनी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ विद्वानों ने राहु एवं केतु की स्वयं राशि को क्रमशः कन्या मीन माना है, लेकिन जो बताया गया है ऊपर वही हम लोगों को लेना है राहु केतु के बारे में, और उसके अलावा कोई दूसरी राशि नहीं लेनी। तो राहु की उच्च राशि वृष राशि, केतु की वृश्चिक राशि, राहु की मूल त्रिकोण राशि मिथुन, केतु की धनु, राहु की स्वयं राशि कुंभ और केतु की वृश्चिक, ये राशि हम लोगों को मानना है। तो ऋषि पाराशर कहते हैं बृहत पाराशरवरा शास्त्र में कि यदि राहु केतु उच्च राशिस्थ हों, यदि उच्च राशि में बैठे हों, अपनी स्वयं राशि में बैठे हों, और तो बहुत अच्छा फल करते हैं दशा में, उनका अति शुभ फल प्रदान होता है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जातक की सारी इच्छाएं पूर्ति होती है, राजाओं से धन प्राप्त होता है। मतलब कि यही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी वर्किंग में हैं तो वहां से उनको पूरा सहयोग मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता है। वाहन पुत्र लाभ भी होता है, नए भवन का निर्माण होता है। अगर राहु शुभ राशि में शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ राशि मीन्स कि चंद्र की राशि, बृहस्पति की राशि, बुध की राशि या गुरु की राशि, तो अगर राहु किसी भी कुंडली के अंदर आप देखते हैं, कोई कुंडली आप चेक करते हैं और उसमें आप पाते हैं कि राहु जो है वो शुभ ग्रह की राशि में है, चंद्र की राशि में है, बुध की राशि में है, बृहस्पति की राशि में है या शुक्र की राशि में है, और साथ में शुभ दृष्ट है या शुभ ग्रहों से युक्त है, तो उस तरीके से तो बेहद धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में भी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव और तृतीय भाव, ये भाव माने गए हैं राहु राहु के केतु के लिए कि इन भावों में हो, शुभ राशि में हो और शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो। तो ये कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन है जिसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि राहु या केतु शुभ राशि में शुभ ग्रहों से, राहु की बात हम इसमें बेसिकली कर रहे हैं, केतु की दशा अभी इसमें नहीं आई है, तो राहु शुभ राशि में शुभ ग्रह से युक्त हो, केंद्र त्रिकोण एकादश या तीसरे भाव में हो, तो जातक को धन भू संपदा यानी जमीन सुख राज कृपा से प्राप्त होती है, उसे घर के मुखिया से सम्मान मिलता है, वो घर में बहुत सम्मान पूर्वक रहता है और इस प्रकार उसे घर कल्याण होता है। तो ऐसा ऋषि पाराशर ने राहु की दशा के लिए कहा है। इसके विपरीत वो कहते हैं कि रंध्रे व वैगे राहो तदाय कष्टमा दिशेत पाप ग्रहण संबंधे मार्ग ग्रह संयुक्त। राहु के लिए अष्टम और द्वादश भाव को थोड़ा गलत बताया गया है, और उसमें उन्होंने साफ रूप से ये कहा है कि राहु अष्टम या द्वादश भाव में अगर बैठा हो, राहु अष्टम या द्वादश भाव में अगर बैठे हों तो दशा के फल जो होते हैं वो अति कष्टकारक होते हैं, यानी आठवां भाव और बारहवां भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और यदि राहु का संबंध पाप ग्रह से हो जाए या मारक ग्रह से युक्त हो जाए, मारक ग्रह जो होते हैं वो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जो मारक ग्रह होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मकान छोड़ना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है,
पत्नी और पुत्र को नुकसान पहुंच सकता है, आपको बहुत दरिद्रता घेर सकती है। इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना है कि राहु अष्टम या द्वादश भाव में कुंडली में जब हो तो उसको देख लें कि राहु का संबंध किसी पाप ग्रह से तो नहीं, राहु का संबंध और राहु अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है उसका संबंध किसी पाप ग्रह से तो नहीं है। अगर पाप ग्रह से है तो फिर वो ये सब प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि दशा के मध्य में कुछ सुख तथा विदेश से धन लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन दशा के अंत में जातक को कष्ट ही प्राप्त होता है, स्थान परिवर्तन ही प्राप्त होता है, मानसिक उद्विग्नता ही प्राप्त होती है। ये राहु की दशा में देखा गया है। अगर राहु आठवें और बारहवें भाव में बैठा हो और दुष्ट ग्रह के साथ द्रष्ट हो या दुष्ट ग्रह से युत हो, तो ये राहु की प्रेडिक्शन करते हुए हम लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग आते हैं गुरु की प्रेडिक्शन पे। गुरु की प्रेडिक्शन के लिए उन्होंने ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि गुरु जो है सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, और ये मतलब कहा गया है इनके बारे में कि अगर ये बुरा भी देना चाहें और गलत प्लेस भी हो बहुत ज्यादा तब भी वो उतना बुरा नहीं कर पाते। तो इन्होंने इसमें बताया है कि स्वच्छे स्वक्षेत्र के जीवे केंद्र लाभ त्रिकोण के, स्वच्छ राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वच्छे स्वक्षेत्र के स्व राशि में हो, जीवे मीन्स गुरु, गुरु के लिए जीव कहा गया है, केंद्र लाभ त्रिकोण के, केंद्र भाव में हो, लाभ भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो या मूल त्रिकोण लाभ है, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो क्या होता है यदि बृहस्पति उच्च राशिस्थ, स्व राशिस्थ, केंद्रस्थ, त्रिकोणस्थ या लाभ भाव में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च नवांश में स्थित हो, तो जातक को राजा से लाभ, जातक को राजा से लाभ मीन्स के राजा को धन धान्य की प्राप्ति होती है, राज सम्मान मिलता है, उसकी नौकरी में प्रमोशन होता है, अत्यधिक सुख मिलता है, वाहन आदि की प्राप्ति होती है, धार्मिकता में मन लगता है, ब्राह्मणों देव तो पंडितों की और उनकी सबकी वो सेवा करते हैं, सत्संग उनको अटेंड करते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है, पत्नी पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है, उनको वाहन वस्त्र लाभ होता है और जितने भी कार्य हैं उनमें उनको सफलता मिलती है और ऐश्वर्य मिलता है। ये बृहस्पति के लिए बहुत जरूरी है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर उच्च राशि में बैठा हो, स्व राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च नवांश में हो, स्व नवांश में हो या उच्च नवांश में हो, तो D9 चार्ट भी आपको देख लेना चाहिए कि बृहस्पति कहीं ऐसा तो नहीं कि D9 चार्ट के अंदर अपने उच्च नवांश में बैठा हुआ है या स्वयं नवांश में बैठा हुआ है, तो वो भी यहाँ देख लेना चाहिए। तो उससे जातक को बहुत सम्मान मिलता है, धन धान्य की बहुत प्राप्ति होती है, वस्त्र लाभ होता है और हर प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है। तो गुरु के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है। इसके विपरीत गुरु के बारे में कहा गया है कि नीचा तपाप संयुक्ते जीवे ऋषफास्ट संयुक्त, यानी यदि बृहस्पति नीच राशि में हो और पाप ग्रह से युक्त हो, नीचास्त पाप संयुक्त नीच राशि में हो और पाप ग्रह से संयुक्त हो, अष्टम और द्वादश भाव में हो, निष्फाष्टक संयुते स्थान भ्रंशम मनस्तापय पुत्र पीड़ा महत भयम्। अगर अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसे में ग्रह परिवर्तन होता है, पुत्र पीड़ा होती है, पुत्र से कष्ट होता है, संतान से कष्ट होता है, महाभय रहता है, इंसान को भय रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, हमेशा मानसिक व्यथा रहती है और पशुहानि, मतलब पशुहानि अगर आप खेती करते हैं या आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं तो उनकी हानि होती है किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है, ये देख लेना राशि की बृहस्पति कहीं आठवें या बारहवें भाव में किसी पाप ग्रह से युक्त या पाप ग्रह से भ्रष्ट ना हो तो ये चीज हो जाती है। तो यदि बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो, पाप ग्रह से युक्त हो, अष्टम या द्वादश भाव में हो, अष्टम और द्वादश भाव दोनों बहुत ही अच्छे भाव नहीं माने गए हैं, इसमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है किसी भी ग्रह की पोजिशन को, इनमें बैठा हो तो इस तरह की परेशानी होती है, ग्रह परिवर्तन, मानसिक व्यथा, संतान से कष्ट, महाभय, धन एवं पशुहानि, तीर्थाटन आदि फलों की प्राप्ति होती है। मध्य व अंत में दशा का लाभ, धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि राहु के स्वतंत्र कारक, बृहस्पति के स्वतंत्र कारकत्व है कि धन का लाभ भी देना। तो बृहस्पति ऐसा नहीं कि बृहस्पति के केवल आपको यही फल मिलेंगे, बृहस्पति आपको दशा में, अपनी दशा में धन का लाभ भी दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति के फल है ज्ञान देना, स्वतंत्र कारकत्व है धन देना, लाभ देना, संतान देना, ये भी बृहस्पति के कारकत्व होते हैं। संतान देंगे ठीक है, लेकिन अगर वो पीड़ित रूप बैठे हैं और पीड़ित रूप से हैं तो वो कष्ट से संतान देंगे, लेकिन संतान देना उनके स्वतंत्र कारकत्व में आता है, ज्ञान देना उनके स्वतंत्र कारकत्व में आता है। तो ये भी है कि मध्य व अंत में धन लाभ भी हो सकता है, राज सम्मान आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। तो बृहस्पति की महादशा के अशुभ फल कहते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि केवल अशुभ फल ही ना कहे जाए, उसके अंदर स्वतंत्र कारकत्व जो बृहस्पति के होते हैं वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।